बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या इवन बच्चों को हॉस्टल भेज रहे होते हैं तो माओ को लगता है यार कुछ तो भेज दे बना के, तो ये बहुत ही आसान है, एक महीने तक चलता है। मैं ये प्रीमिक्स लगभग 10 दिन पहले बना के लाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको अपमा कैसे बनाऊंगी एकदम आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या चाहिए, कैरी करी है इसके लिए। एक तो मेरा प्रीमिक्स आपको दिख ही रहा होगा, एक खाली हो गया है, और ये मैंने एक स्टील का डब्बा कैरी करा है अपने साथ जिसमें हम प्रीमिक्स बनाएंगे उपमा। साथ में ऊपर से डालने के लिए भुजिया सेव, और मज़ेदार करने के लिए इसको और नींबू। हम कहीं भी जाते हैं होटल में तो हमारे पास केटल तो होती ही है, तो मैंने यहाँ पे केटल में पानी डाल दिया है। अब मैं इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। एकदम हमको पानी बॉईल करना है पूरा, ताकि उससे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए आपको हल्की हल्की बबल्स की साउंड आ रही होगी, ये पानी पूरा बॉईल हो गया है। और जनरली आपको पता ही होगा नॉर्मली केटल्स में जब पानी पूरा बॉईल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। यहाँ पे मैं लूंगी 2 स्कूप हमारा उपमा का प्रीमिक्स। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि मैं पहले हल्का सा जो नींबू है उसको भी यहाँ पे निचोड़ लूंगी। तो मैंने आधे से कम नींबू लिया है, इसको मैं पहले से स्कूपर में ही निचोड़ लूंगी ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए। अब इसका नाप ऐसा है कि अगर हमने 2 स्कूप उपमा प्रीमिक्स लिया है तो हम इसमें लगभग 4.25 कप पानी डालेंगे, तो बेसिकली डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको हम दे देंगे फटाफट एक अच्छा सा मिक्स ताकि सूजी में लम्स नहीं आए, इसलिए आप तुरंत इसको एक मिक्स दे दीजिए। ज़्यादा भी नहीं करना है कि अपना पानी ठंडा होए, बस ये देखिए मिक्स हो गया है। यदि आपको दिख ही रहा होगा कि अभी ही हमारी सूजी कितने अच्छे से जो है वो फूल आई है, बट स्टिल मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तो लगभग हम 7 से 8 मिनट इसकी लिड को बंद करके रख देंगे। हल्की सी लिड मैंने यहाँ से ओपन छोड़ी है ताकि ये एकदम ही प्रेशर से पूरी बंद ना हो जाए और आपको खोलने में दिक्कत ना हो। तो अब इसको हम 8 मिनट बाद देखेंगे, तब तक मैं मेरी चाय तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी चाय हो गई है तैयार। इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, केटल में जो पानी गर्म करा था मैंने गर्म पानी लिया और गिरनार के मसाला प्रीमिक्स चाय के पैकेट्स ओपन करे और बस मला दिया और इंस्टेंट चाय हो गई तैयार। तो अब मेरे उपमे को भी लगभग 8 मिनट्स हो गए रेस्ट करते हुए, अब हम इसको देखते हैं। जस्ट बी केयरफुल, ये थोड़ा गर्म होता है। अरे वाह कितना मज़ेदार दिख रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए कितना सही बना है ना। अब बस हम इसको, कटलरी भी है यहाँ पे मेरे पास रूम में, तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आप ये देखिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, बट दिस इज़ परफेक्ट। ज़रा ज़्यादा पानी मत डालिए वरना कई बार क्या होता है सूजी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एंड मेक श्योर कि पानी पूरा हीटेड अप हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पानी बॉइलिंग स्टेज पे नहीं होगा तो सूजी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फूलेगी नहीं। अभी आप देखिए कितना सही उपमा बना है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितने अच्छे से पूरी ही सूजी फूल गई है। तो चलिए बस इसको सर्व कर लेते हैं। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है 1 टेबल स्पून घी, और ये प्रीमिक्स मैं बना रही हूँ 1 कप सूजी के लिए। तो जैसे ही घी हमारा हल्का सा मैंने हीटअप कर लिया है तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से हमारे मूँगफली के दाने, आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और बस हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़े से हम मूंगफली को 5 मिनट के लगभग भून लेंगे, जब तक ये हमारी अच्छे से सिक जाएंगी। तो ये देखिए हमारी मूंगफली ऑलमोस्ट हो आई है, बस इसको 30 सेकंड लगभग और
मैंने यहाँ पे घी यूज़ करा है, आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम जनरली प्रीमिक्स कुछ दिन के लिए कैरी करते हैं तो घी ज़्यादा सूटेबल होता है। तो मूंगफली हमारी हो आई है, इसको मैं कर दूंगी अब साइड में और इसी घी में मैं डालूंगी हमारी मस्टर्ड सीड्स लगभग हाफ टी स्पून। मस्टर्ड सीड्स के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, ये लगभग 10 से 12 कड़ी पत्ता लीव्स हैं। इसको मैंने छोटे छोटा तोड़ लिया है, मैंने इसको धोया नहीं है, अच्छे से साफ कर लिया है क्योंकि मेरे खुद के गार्डन की ही है। बेसिकली पॉइंट इज कि पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए इसमें, बस हम थोड़ा सा इसको चटका लेंगे अच्छे से। सो अब हमारा मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता हो आया है। अब मैं इसमें हमारा ऐड कर दूंगी मेन इंग्रेडिएंट सूजी 1 कप, और अब हम धीरे आंच में हम सूजी को भी लगभग 5 to 6 मिनट्स तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक आप जितना रोस्टेड पसंद करते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची नहीं सुखा के डाली है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची। और लगभग 1 टीस्पून मैं ऐड करूंगी यहाँ पे नमक, आप सूजी भूनने के बाद भी ये सब ऐड कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं। तो सूजी आप कंटिन्यूसली हिलाते जाएं ताकि एक तरफ से आंच एकदम तलवे पे ना लगे और हर तरफ से सूजी अच्छे से अपनी सिक जाए। लगभग 6 मिनट मुझे हो गया है सूजी भूनते भूनते, इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है एंड प्लस मुझे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो लगभग 4 से 5 मिनट में इसको इसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपको आने लगती है, जैसे हमको पता लग जाता है कि हमारी सूजी भून गई है। तो बस हम इसका गैस कर देंगे अब ऑफ। एंड एक इम्पॉर्टेंट टिप कि ये जो सूजी हमारी हो चुकी है, हम इसको एक बार स्टर करके गैस से हटा देंगे और नीचे स्लैब पे रख लेंगे, क्योंकि जो हमारा गैस होता है वो हीटेड रहता है काफ़ी, तो नीचे से सूजी और ना सिके और एकदम जो बेस वाली सूजी है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रोस्टेड अप ना हो जाए, इसलिए हम इसको एक स्टर करके इसको नीचे रख देंगे और पूरा ठंडा होने पे पैक कर लेंगे। दिख रही है ना मजेदार, ये बहुत मजेदार बनती है, मैंने तो बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ और आज आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और नेक्स्ट ट्रैवल टाइम में ये आपकी ट्रैवल बड़ी जरूर बनेगी। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय चटोरी के चटोरों, थैंक यू।